नई उम्मीद, नई आशाएं, नया संकल्प, जो सर्वहित से ऊपर उठकर समाज हित के लिए संघर्ष करे, दूसरे के सपनों को उड़ान देने के लिए नया आसमान बनाए, दूसरों की उम्मीद को पूरा करने के लिए नई बात सोचे। एक ऐसी ही संस्था है सामाजिक सरोकार परिवार, जिसने अब तक समाज के हित के लिए कई काम किए हैं और अब सामाजिक सरोकार परिवार का विजन पूरे हरियाणा को नंबर एक बनाने का है, जिसमें टेक्निकल डिग्री प्राप्त युवाओं को नौकरी दिलवाने की कोशिश है, सरकारी नौकरी का सपना देख रहे छात्रों को नए विकल्प दिए जाने का सपना है, हर स्कूल में करियर काउंसलिंग दिलाने की कोशिश है, फेल हुए बच्चों को प्राथमिकता के साथ दोबारा शिक्षा से जोड़ने की पहल करना है, 3000 की आबादी वाले गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, ऐसा सपना देखती है सामाजिक सरोकार परिवार, कर्ज में डूबे किसानों को ऋण से मुक्ति मिले, ये सपना देखती है सामाजिक सरोकार परिवार संस्था। स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से MSP C2+50 दिलाने की कोशिश करने की चाहत है सामाजिक सरोकार परिवार की, महिलाओं मजदूरों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दिलाई जाए, ऐसा मानना है सामाजिक सरोकार परिवार का। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का लोन मजदूरों और महिलाओं को मिले, ऐसी व्यवस्था करने की चाहत है सामाजिक सरोकार परिवार की। बुजुर्गों को समय पर वृद्ध अवस्था पेंशन दिलाई जाए, ऐसी सोच है सामाजिक सरोकार परिवार की। इसी विजन को लेकर आगे बढ़ रही है सामाजिक सरोकार परिवार संस्था। अपनी योजनाओं के इस विजन के माध्यम से सामाजिक सरोकार परिवार की कोशिश खुली आंखों से देखे गए सपनों को सच्चाई में बदलने की है। सामाजिक सरोकार परिवार के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रहे जनसेवक सुरेंद्र लाठर का मानना है कि ग्रामीण आंचल में बसे सपनों को साकार करने की ठान ली जाए तो आने वाला भविष्य सुनहरा होगा। सामाजिक सरोकार परिवार के वॉलंटियरों ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। सबसे पहले ऐसे सरकारी स्कूल खोले जाएंगे जो बच्चे 10वीं और 12वीं में फेल हो गए और पढ़ाई छोड़ चुके हैं, और उनमें एडमिशन की प्राथमिकता भी उनको रहेगी जो ज्यादा बार फेल हो गया और जो ज्यादा दिन उसको पढ़ाई से दूर होगी, पहली प्राथमिकता उन बच्चों को दी जाएगी ताकि उनको दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ेंगे। हर गांव जिसकी पॉपुलेशन 3000 है उसको हर गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल की सुविधा आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का जो लेवल है उसमें करियर काउंसलिंग की भी सुविधा होगी, और ऐसे स्कूल भी खोले जाएंगे ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे और 20 गांव के क्लस्टर पे, जो 10,000 विद्यार्थियों की कैपेसिटी के होंगे, जिसमें पढ़ने वाले सब बच्चों का रहना खाना पढ़ना फ्री होगा, और जब वहां से निकलेंगे तो उनकी पढ़ाई दवाई कमाई की व्यवस्था आपको मिलेगी। घर परिवार को उन बच्चों को एक बार एडमिशन करवाने के बाद कोई चिंता नहीं होगी। हमारे पास पूरी रूपरेखा है कि किसानों को MSP C2 स्वामीनाथन रिपोर्ट मिलना चाहिए, हर फसल का मिलना चाहिए। जल भराव की समस्या जहाँ ज्यादा है और जहाँ पानी कम है, पूरे हरियाणा के हर गांव का परमानेंट समाधान की सुविधा करवा के मानेगी। महिलाओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तरफ पे गरीब मजदूर के लिए 5 लाख की लोन की सुविधा होगी, कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ आधार कार्ड और फैमिली आईडी पे। गांव में ठेके पूरे हरियाणा में पॉलिसी में अमेंडमेंट करके ग्रामीण क्षेत्र में ठेके बिल्कुल बंद होंगे, ना उनके ठेके ना उनके दर्शन। हर बेरोजगार साथी को उनकी काउंसलिंग पढ़ाई की करके जो अच्छे मेहनती जो ये अपने 2700 छात्र बैठे हैं, इनको सारों को सरकारी बड़े बड़े अधिकारी बनाने की जिम्मेदारी है पूरा हरियाणा के और भी ज्यादा 101 गांव के, और हर घर हर परिवार एक सरकारी नौकरी, और जो बुजुर्गों की पेंशन है सभी बुजुर्गों को बिना कोई पटके कि कितनी इनकम नहीं सम्मान रूप में घर पहुंच जानी चाहिए। हर गांव में या तो बैंक की व्यवस्था हो जाए खाते में डाले, नहीं तो सम्मानजनक बुजुर्ग के घर पहुंचाए हर महीना कैश। और जो लाडो सरस्वती अवार्ड है सामाजिक सरोकार परिवार ने जो शुरुआत जिसकी करी थी, इस गांव से शुरुआत करी थी, सामाजिक सरोकार परिवार का जिस दिन संगठन मजबूत हो जाएगा हर गांव तक, उस दिन सामाजिक सरोकार परिवार इसको लागू करवाएगा पूरे हरियाणा के हर गांव के पढ़ने वाली बेटी को पहली से पीछे तक 100 रुपए मान सम्मान के रूप में हर महीने उसके घर पहुंचेंगे। सामाजिक सरोकार परिवार ग्रामीण हरियाणा में उन्नति प्रगति के रथ को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, और विकास का रथ ऐसे ही चलता रहा
तो जन जन का सपना जल्द ही साकार हो जाएगा और सही मायने में सामाजिक सरोकार परिवार की कोशिशें रंग ला पाएंगी।